ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा भाग्य हथेली में सिमटा होता है, जिसे रेखाएं बयां करती है। हथेली में कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जैसे जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, विवाह रेखा, सूर्य रेखा, बुधवार रेखा, भाग्य रेखा आदि, जो कि पैसे से लेकर स्वास्थ्य की हर गुत्थी खोलती है। आपको इसे पढ़ने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हाथ देखकर आप अपना भाग्य जान सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंद से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक गई हो और दोष रहित है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे लोग जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। यदि हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो, तो व्यक्ति खुद की मेहनत से काफी अधिक धन प्राप्त करता है। जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, वे दूसरों की मदद या प्रोत्साहन से सफलता प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। यदि चंद्र पर्वत से निकलकर कोई अन्य रेखा भाग्य रेखा के साथ साथ चले, तो व्यक्ति की शादी अत्यंत धनी परिवार में होती है। वह व्यक्ति किसी स्त्री की मदद से सफलताएं प्राप्त करता है। यदि भाग्य रेखा हथेली को पार करते हुए मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर तक जा पहुँचे, तो यह अशुभ योग दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति खुद की गलतियों से हानि उठाता है। यदि भाग्य रेखा किसी स्थान पर जीवन रेखा को काट दे, तो उस आयु में व्यक्ति को कोई अपमान या कलंक झेलना पड़ सकता है। भाग्य रेखा हथेली के प्रारंभ से जितनी अधिक दूरी से शुरू होती है, व्यक्ति का भाग्योदय उतने ही विलंब से होता है।